बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के नगर पंचायत के वार्ड 4 स्थित जगत गांव में मंगलवार को दिन के करीब 1 बजे के आसपास ट्रक से टाइल्स उतारने के दौरान दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 2 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतक की पहचान जगत गांव के हृदेश मुखिया के 32 वर्षीय पुत्र कमलेश मुखिया के रूप में की गई है, जबकि घायल की पहचान उसी गाँव के लोथाई मुखिया के 23 वर्षीय पुत्र चंदेश्वर मुखिया और भुट मुखिया के 26 वर्षीय पुत्र श्रवण मुखिया के रूप में की गई। मिली जानकारी के अनुसार जगत गांव के चौधरी टोल में गृह स्वामी उग्रनाथ चौधरी द्वारा घर में लगाने के लिए बाहर से ट्रक से टाइल्स मंगवाया गया था, जिसे उतारने के लिए मृतक और घायल सहित अन्य मजदूरों को लगाया गया था। ट्रक में भीतर दोनों किनारे से टाइल्स के बंडल का कतार लगा हुआ था और बीच में आने जाने व टाइल्स उतारने के लिए जगह छोड़ दिया गया था। जब मृतक और घायलों सहित अन्य मजदूरों द्वारा ट्रक से टाइल्स उतारा जा रहा था तो इसी दौरान टाइल्स का बंडल मजदूर के शरीर पर गिर गया, जिसमें मृतक का गर्दन से नीचे पूरा भाग दब गया, जिससे कमलेश की मौत हो गई। वहीं चंदेश्वर व श्रवण गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इधर घटना की खबर आम होते ही अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद दोनों घायल एवं मृतक को PHC बेनीपट्टी लाया गया, जहां कमलेश की को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल को समुचित इलाज के लिए DMCH दरभंगा रेफर कर दिया गया। घटना के बाद से मृतक के घर व गाँव में मातम पसरा हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं शाम तक शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा जा सका था और स्थानीय स्तर पर मामले को सुलझाने जाने की प्रक्रिया किए जाने की बात कही जा रही थी। इस बाबत पूछे जाने पर पुलिस निरीक्षक सब बेनीपट्टी थाना अध्यक्ष सीताराम प्रसाद ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, मामले की जांच की जा रही है। एहन आदमी उतारे के लिए जगह जानकारी ओके लाभक चाहिए।